ट्रेन का इंजन कितना पावरफुल होता है यह तो हम जानते ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है? आज की वीडियो में यह जानेंगे कि ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट होता है, क्या कार की तरह ट्रेन के इंजन में भी चाबी लगाकर सेल्फ स्टार्ट किया जाता है, या फिर इंजन में कोई स्विच बटन होता है जिसको दबाने से इंजन स्टार्ट हो जाता है, और डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता है। आज की वीडियो में हम 3D एनिमेशन के जरिए बहुत ही आसानी से समझेंगे। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडियन रेलवे दो प्रकार के इंजनों का उपयोग करता है, डीजल और इलेक्ट्रिक। कारों और स्कूटरों के विपरीत, जिन्हें शुरू करने के लिए चाबियों की आवश्यकता होती है, ट्रेनों को शुरू करने की प्रोसेस अलग होती है। दोनों प्रकार की इंजनों में हैंडल होते हैं जिनका यूज इंजन को चलाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और डीजल ट्रेन इंजन दोनों को चालू करने का अलग अलग तरीका होता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन को चालू करने के लिए सबसे पहले पेंटोग्राफ को ऊपर उठाया जाता है, उसके बाद कॉन्टेक्ट वायर को कनेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को एक स्विच के जरिए करते हैं, जिसे रेलवे भाषा में जेट पीटी या पेंटो की कहते हैं। सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करने से पहले लोको पायलट लोकोमोटिव की जांच करता है। इस पॉइंट पर सभी फ्लूइड्स यानी कि कूलेंट, लुब्रिकेशन ऑयल को चेक किया जाता है। इसके बाद क्रैंक केस एग्जॉस्टर ब्रेकर को बंद करते हैं। यह ब्लोअर क्रैंक केस से वेपर को हटा देता है। इसके बाद लोको पायलट को यह इंश्योर करना होता है कि सभी ब्रेक चालू हैं। जनरेटर फील्ड ब्रेकर खुला होना चाहिए, रिवर्सर न्यूट्रल स्थिति में हो और इंजन कंट्रोल स्विच और थ्रॉटल बंद हो। इतना करने के बाद ग्रीन स्विच को दबाया जाता है। स्विच को तब तक दबाए रखना होता है जब तक कि हर एक सिलेंडर ऑन ना हो जाए। प्राइम मूवर के चलने के बाद लोको पायलट तुरंत ऊपर उठते ऑयल प्रेशर, एयर प्रेशर और ब्रेक पाइप प्रेशर को देखता है। साथ ही लोको पायलट बैटरी चार्जिंग प्रोसेस पर कड़ी नजर रखता है। इलेक्ट्रिकल पैनल का बैटरी चार्जिंग एमीटर लगातार 0 की रीडिंग डिस्प्ले करता है, जो इंडिकेट करता है कि बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ठीक से बैलेंस्ड है। डीजल इंजन को रिवर्स करने के लिए खास हैंडल या एक अलग तरह की स्विच की जरूरत पड़ती है, जिसे रिवर्सल हैंडल कहते हैं। इसके बगैर ट्रेन को गति देना मुश्किल है। इसके बाद लोकोमोटिव को आगे बढ़ने से पहले पहियों पर लगाए गए किसी भी व्हील ब्लॉक या पत्थर को हटा दिया जाता है। फिर पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देते हैं। इसके बाद इंजन कंट्रोल स्विच की सेटिंग को अब रनिंग में चेंज कर देते हैं। ग्रीन सिग्नल देखकर ब्रेक को हटा दिया जाता है और फिर हॉर्न देते हुए लोकोमोटिव आगे बढ़ने लगता है। अब लोकोमोटिव समझने के बाद हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये गेज क्या होता है। लोहे की दो पटरियों के बीच के गैप को हम गेज कहते हैं, और बीच में रखा सीमेंट का टुकड़ा स्लीपर कहलाता है। भारत में अधिकतम ट्रेनें वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज की ही चलती हैं, जिसे W से दर्शाया जाता है। ट्रेन के इंजन के आगे लिखे नंबर पर हमें W जरूर देखने को मिलेगा। वाइड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm होती है। आपने डीजल ट्रेन इंजनों को चालू हालत में देखा होगा। दरअसल सिग्नल का इंतजार करते समय उन्हें हमेशा चालू कंडीशन में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि लोको पायलट ट्रेन रुकने पर भी इंजन बंद क्यों नहीं करता? एक डीजल रेल इंजन को चालू करने के लिए लगभग 50 से 100 लीटर फ्यूल की जरूरत होती है। इसलिए यदि इंजन को बार बार बंद और चालू किया जाएगा तो यह काफी महंगा पड़ेगा। इसके अलावा यदि इंजन बंद हो जाता है तो इंजन की मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन भी रुक जाता है। आपको बता दें, जब लोको पायलट को इंजन स्टार्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दी जाती है तो उसे पूरी तरह से लुब्रिकेट करने में कुछ टाइम लगता है। दूसरा रीजन यही है कि यदि इंजन लंबे समय तक बंद रहता है तो लोको पायलट हरी झंडी मिलते ही उसे तुरंत चालू नहीं कर पाता है। इसके साथ ही एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम बनाए रखने के लिए एक ट्रेन इंजन को काफी टाइम लगता है दोबारा से ऑप्टिमल ब्रेक प्रेशर को बनाने में। इसके अलावा यदि इंजन लंबे समय तक बंद रहने के बाद चालू किया जाता है तो लोको पायलट को इंजन को चालू करने के लिए प्रॉपर चेकलिस्ट तैयार करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इंजन को बार बार चालू बंद करने की स्थिति में इंजन में टेक्निकल फॉल्ट आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं रीजन से जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर होती है तब भी ट्रेन का इंजन चालू कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इन इंजन को बनाने के लिए इंडिया में कुछ फेमस कंपनियां हैं। एक है अल्को लोकोमोटिव, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, और दूसरी है EMD, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव डीजल। इन दोनों इंजन में मुख्य अंतर यह होता है कि अल्को लोकोमोटिव 4-स्ट्रोक इंजन होता है, जबकि EMD लोकोमोटिव 2-स्ट्रोक इंजन होता है। 4-स्ट्रोक इंजन का मतलब यह होता है कि एक बार डीजल जलेगा और इसका पिस्टन 4 बार नीचे ऊपर होगा, जबकि EMD लोकोमोटिव 2-स्ट्रोक होने के कारण 2 बार ही ऊपर नीचे होगा। 4-स्ट्रोक का पिकअप कम होता है जबकि 2-स्ट्रोक का ज्यादा रहता है। अल्को लोकोमोटिव में फिल्टर नहीं लगा होने के कारण यह धुआं ज्यादा देता है, और EMD लोकोमोटिव में फिल्टर लगा होता है इसलिए यह धुआं कम देता है। अल्को लोकोमोटिव का माइलेज कम होता है, यह 1 लीटर में लगभग 300 मीटर तक चल सकता है, जबकि EMD लोकोमोटिव का माइलेज ज्यादा होता है, यह 1 लीटर में 400 मीटर चल सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही 3D एनिमेटेड नॉलेजेबल वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।